नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैलाश और आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर करवाने के लिए फॉर्म को कैसे फिलअप किया जाता है और आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लगवाने के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है, या फिर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लगा है लेकिन आपको मालूम नहीं है कि हमारे आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर लगा है, तो वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर पहले से रजिस्टर है तो उस नंबर को आप कैसे पता कर सकते हैं कि हमारे आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर रजिस्टर है। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम आपको दिखाते हैं कि आधार का जो न्यू एनरोलमेंट फॉर्म आया है उस फॉर्म को आपको कैसे फिलअप करना है अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर करवाने के लिए। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर करवाने के लिए या फिर ईमेल आईडी रजिस्टर करवाने के लिए कोई डॉक्यूमेंट आपका, कोई कागज आपका नहीं लगता है। बस आपको आधार सेंटर पर जाना है, वहाँ पर आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करना है और अपना आधार कार्ड और वो फॉर्म आपको देना है और आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट कर दिया जाएगा। मान लीजिए पहले से ही आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर है लेकिन आपको मालूम नहीं है कि हमारे आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर रजिस्टर है, तब भी आप अपना मोबाइल नंबर, दूसरा मोबाइल नंबर आप लगवा सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे आ गए हैं और आपको अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट करवाने के लिए आपको इस फॉर्म को आपको फिलअप करना पड़ेगा। तो ये है आधार एनरोलमेंट अपडेट फॉर्म। रेसिडेंट अबाउट यानी 18 ईयर के ऊपर जो लोग हैं उनके लिए ये फॉर्म है। तो 18 साल के ऊपर अगर आपकी उम्र है तो आपको इस फॉर्म को आपको फिलअप करना पड़ेगा जब आप आधार सेंटर जाएंगे मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी अपडेट कराने के लिए। तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट कराने के लिए आपको इस फॉर्म को कैसे भरना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर अपडेट के ऑप्शन पर ओके कर दिया है। यहाँ पर नंबर 2 पर आपको आएंगे तो यहाँ पर रेसिडेंट इंडियन के ऑप्शन पर आपको ओके कर देना है और यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है और नीचे यहाँ पर आना है इन केस ऑफ अपडेट के ऑप्शन पर। तो यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डाल देना है, नीचे आना है तो यहाँ पे आपको अपडेट क्या करवाना चाहते हैं, तो हम मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के ऑप्शन पे आपको ओके कर देना है। नीचे यहाँ पे आना है तो आपके आधार कार्ड में जो नाम है वो नाम आपको यहाँ पे डाल देना है और यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देना है और यहाँ पर आएँगे तो जेंडर के ऑप्शन पर आपको यहाँ पर मेल या फीमेल के ऑप्शन पर जो भी आप हैं उस पर आपको टिक कर देना है, ओके कर देना है। नीचे यहाँ पे आएंगे तो आपको अपना ईमेल आईडी यहाँ पे आपको डालना है और यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना है, जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप अपने आधार कार्ड में रजिस्टर करवाना चाहते हैं। उसके बाद में नीचे यहाँ पे आना है तो आपको अपना एक सिग्नेचर कर देना है और ये जो फॉर्म है आपका आधार करेक्शन कराने का, यानी कि आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट करवाने के लिए, तो ये फॉर्म आपका पूरी तरह से यहाँ पर कम्प्लीट हो जाएगा जो आप ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर रजिस्टर करवाना चाहते हैं। तो इस फॉर्म की जो लिंक है वो वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से भी इस फॉर्म को आपको डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर आपके आधार कार्ड में कोई मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी रजिस्टर है और आपको मालूम नहीं है कि हमारे आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर रजिस्टर है तो उसको आप कैसे पता कर सकते हैं, उसका भी प्रोसेस मैं आपको पूरा दिखाने वाला हूँ। तो उसके लिए हमें चलना पड़ेगा गूगल क्रोम पे और हम ओपन करेंगे आधार की ऑफिशियल वेबसाइट और वहीं पे हम आपको दिखाते हैं कि आप अपने आधार कार्ड में पुराना रजिस्टर मोबाइल नंबर कैसे पता कर सकते हैं कि हमारे आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर पहले रजिस्टर था या है। और यहाँ पे हम आ गए हैं आधार की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो अगर आपको इस लिंक को आप ओपन करना चाहते हैं तो आपको गूगल पे सर्च करना है UIDAI.gov.in, नहीं तो इसकी लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहां से भी आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। तो यहां पे हम इस वेबसाइट को हमने ओपन कर लिया है, उसके बाद में हम यहां पे आएंगे माई आधार के ऑप्शन पे आएंगे और यहां पे आधार सर्विस के ऑप्शन पे हम आएंगे।
तो वेरीफाई एन आधार नंबर के ऑप्शन पे हम ओके करेंगे और उसके बाद में हमारे पास एक दूसरा इंटरफेस खुलकर आएगा जहाँ पे आप देख सकते हैं वेलकम टू माई आधार कार्ड। तो यहाँ पे आप अपना ओटीपी डाल के यानी आधार नंबर और ओटीपी डाल के आप आधार लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। तो हमें अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर चेक करने के लिए चेक आधार वैलिडिटी के ऑप्शन पे हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हम ओके करेंगे। और अब यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना है और एक कैप्चर डालने के बाद में आपको प्रोसीड के ऑप्शन पे आप ओके कर देंगे तो आपके जो आधार कार्ड से मोबाइल नंबर रजिस्टर है उसका उस मोबाइल नंबर का लास्ट का 3 डिजिट अंक आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ पे अपना आधार नंबर और मोबाइल नंबर यानी आधार नंबर और कैप्चर डाल के प्रोसीड के ऑप्शन पे हम ओके कर। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारे आधार कार्ड से मोबाइल नंबर रजिस्टर है वो 700 लास्ट का जो 3 अंक है वो हमें यहाँ पे मिल चुका है। तो आईएसओ की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए। और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के बाद, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।